दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आज के न्यूज़। जद्दा में काफ़ी अरसे पहले जो है दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत का निर्माण जो है शुरू हुआ था। उसको तामीर उसकी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो तामीर रुक गई। तभी एक अच्छी खबर आई है कि जद्दा इकोनॉमी कंपनी ने बताया है कि इस इमारत की तामीर फिर से शुरू की जाएगी और उसके लिए टेंडर कर दिए गए हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में ये टेंडर खुलेगा, पता चलेगा किस कंपनी को ये टेंडर मिला। और ये जो इमारत तामीर होगी, जो इस वक्त दुनिया में बुर्ज खलीफा दुबई में जो इमारत है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उससे भी ऊंची ये इमारत होगी। बुर्ज खलीफा से 172 मीटर ज़्यादा ऊंची ये इमारत होगी। तो ये अच्छी खबर है कि ये इमारत बन जाएगी तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जद्दा सऊदी अरेबिया में हो जाएगी और जद्दा की इकनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जद्दा की इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया की इकनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक और अच्छी खबर है, वो सऊदी अरेबिया से ही और वो मक्का से है। पहले आप वीडियो देखिए। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जद्दा के जबल उमर मैरियट होटल की है। आपने देखा होगा कई मरतबा, हो सकता है कुछ लोग इसमें गए भी हों, न भी गए हों तो मक्का गए होंगे हरम में, तो देखा होगा कि एकदम साथ ही में ये होटल है और दो टावर के दरमियान इसमें एक ब्रिज नुमा एक कमरा है। तो ये कमरा दरअसल जो है मस्जिद एक तरह से है और ये मतलब सलात के लिए, नमाज के लिए मुख्तस है। तो इस कमरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है और इसे सर्टिफिकेट मिल गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से 20 दिसंबर को कि ये दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी जगह बनाई गई जो नमाज के लिए बनाई गई है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।